हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस इज़ योर मैथ्स बुक। स्टूडेंट्स, नाउ ओपन द पेज नंबर 94। सो स्टूडेंट्स, इट्स योर पेज नंबर 94। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइन। राइट द कलर्ड पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। नाउ लुक एट द फर्स्ट पार्ट। एक स्केल दिया हुआ है और ये जो कलर पार्ट है इसको हमने फ्रैक्शन में भी लिखना है और डेसिमल में भी लिखना है। फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में लिखना है। सबसे पहले देखिए, स्केल में यहाँ पर है 0, देन 1, 2, 3, मगर पॉइंट कहाँ तक है? 1 के बाद काउंट करता है लाइंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 और फिर 7 लाइंस, इसलिए 1.7। अब इसे फ्रैक्शन में लिखने के लिए रफ कॉलम में चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1.7 था हमारा आंसर। यहाँ रफ पेपर पर सॉल्व करते हैं 1.7। जब हम इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं, इसके नीचे लेते हैं 1 और जितने डिजिट होते हैं उतने लेते हैं 0। ये बात आप सब जानते हैं। तो ऊपर क्या रह गया स्टूडेंट? 17 और नीचे क्या है? 10। अब इसे डिवाइड करवा कर देखते हैं फ्रैक्शन नंबर क्या आता है। 17 डिवाइडेड बाय 10। सो 10 वन ज़ा 10। 1 में से 1 माइनस करने पर कुछ भी नहीं, लेकिन 7 में से 0 माइनस करने पर 7। और इसे राइट किस तरह करते हैं स्टूडेंट्स? ये सब आप जानते हैं। 1, 10 एंड 7। अब ये फ्रैक्शन अपनी बुक में राइट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका डेसिमल बन गया 1.7 और फ्रैक्शन क्या बना? 1/7/10 आंसर। नाउ लुक एट द सेकंड स्केल, 0, 1, 2। अब 2 के बाद लाइन काउंट करते हैं। पॉइंट कहाँ पर है 2 के बाद? 1, इट मीन्स 2.1। अब इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। लुक एट हियर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या था? 2.1। ये पॉइंट ख़त्म हुआ, 1 नीचे आया और जितने डिजिट होते हैं उतना 0। अब ऊपर रह गया 21 और नीचे क्या है? 10। अब इसे डिवाइड करवाते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 10। सो स्टूडेंट्स, 10 2 ज़ा 20। 1 में से 0 माइनस करने पर 1 और 2 में से 2 माइनस करने पर कुछ भी नहीं। अब इसे किस तरह राइट करेंगे? 2 10 1। ये आ गया फ्रैक्शन स्टूडेंट्स। अब इसका फ्रैक्शन भी यहाँ राइट करते हैं। 2 1/10 आंसर। नाउ लुक एट द थर्ड स्केल, 0 1 2 3 4। इट मीन्स 1.4। 1.4। अब इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या था? 1.4। पॉइंट ख़त्म हुआ, नीचे आया 1 और 1 टाइम 0, ऊपर रह गया 14 और डिनोमिनेटर में है 10। अब इसे डिवाइड करवाते हैं। 14 डिवाइडेड बाय 10। सो स्टूडेंट्स, 10 1 ज़ा 10। 4 में से 0 माइनस करने पर 4, 1 में से 1 माइनस किया तो कुछ भी नहीं। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में राइट करते हैं। 1 10 और ये 4। स्टूडेंट्स, अब थर्ड स्केल का फ्रैक्शन राइट करते हैं। 1 4/10 आंसर। नाउ लुक एट द डी पार्ट, 0 1 2 3 4 5। इट मीन्स 0.5। अब इसका फ्रैक्शन राइट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आंसर था हमारा 0.5। ये आ गया 1 1 टाइम 0। ऊपर क्या रह गया स्टूडेंट्स? 5 और नीचे क्या है? 10। अब इसे डिवाइड करवाते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 10। 10 के टेबल में तो 5 आता ही नहीं है, इसलिए हम 0 पॉइंट की हेल्प से इसको दे देंगे 0। और 10 5 ज़ा 50। हमारा आंसर 0.5। क्या ये आंसर हम पहले लिख चुके हैं? ये रहा। सो स्टूडेंट्स, डिवाइड करने पर डेसिमल में आंसर आया, इसलिए इसका फ्रैक्शन क्या है? 5/10।
5 ओवर 10 आप यहाँ राइट कर देते हैं, 5 ओवर 10 आंसर। नाउ लुक एट द ई पार्ट, 0 1 2 देन 1 2 3 4 5 इट मींस 2.5। अब इसका इस डेसिमल को सॉल्व करके फ्रैक्शन में आंसर लिखते हैं। स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या था, 2.5। पॉइंट ख़त्म हुआ 1 टाइम 0, ऊपर आ गया 25, नीचे है 10। नाउ 25 डिवाइडेड बाय 10, सो स्टूडेंट्स 10 टू ज़ा 20s, 5 में से 0 माइनस करने पर 5। अब इसे किस तरह राइट करते हैं, 2 10 एंड 5। अब इस फ्रैक्शन को अपनी बुक में राइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या था, 2 5 ओवर 10 आंसर। स्टूडेंट्स ये वर्क आपने अपनी बुक में ही सॉल्व करना है जिस तरह मैंने राइट किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।